डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को होश आ गया। पिछले एक घंटे से जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल था वो हम कर चुके, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर MRI के लिए शिफ्ट करते हैं, देखते हैं रिपोर्ट्स क्या कहते हैं। जान से मार डालूंगा उस बेहया को। क्या कर रही हो सादिया? अबू, कपड़े धोने और मशीन खराब हो गई है, बस उसी को फिक्स कर रही हूँ। तो मुझे ऑफिस फोन कर देती ना बेटा, मैं वापसी पे किसी इलेक्ट्रिशियन को ले आता। अब ये तुम्हारे करने के काम तो नहीं है ना? अबू, पहले ही देर हो गई थी, इतने सारे कपड़े धोने हैं। मैंने सोचा खुद ही सही कर लूं, और कोई तार का ही मसला होगा, अभी अभी सही हो जाएगी। रहने तो तुमसे नहीं होगा, वैसे बिजली के मामले में एहतियात करनी चाहिए। पहली गलती इंसान की आखिरी गलती भी हो सकती है, और खुद इतनी नाजुक सी है, जरा सा छींक भी आ जाए डर के मारे बुखार हो जाता है। ये मर्दों के करने के काम है, इनसे नहीं होंगे। ओहो, एक सेकंड, तुम्हें किसने कहा कि कोई ऐसा काम है जो औरतें नहीं कर सकती? अब इस मशीन को मैं ही फिक्स करूंगी, समझ आइए? ठीक है बच्चों, अगर ये मशीन तुमने ठीक कर ली तो मैं तुम्हें आज अपने पैसे से पिज्जा खिलाऊंगी, और अगर नहीं की तो अगले हफ्ते भी तुम ही मशीन लगाओ। अच्छा, खामखा लड़ना शुरू कर दिया तुम दोनों ने, मैं भी जाकर इलेक्ट्रिशियन को लेकर आता हूँ। नहीं अब्बू, अब तो मेरी जिद है ये मशीन मैं ही सही करूंगी, वरना इसे बोले कि अपने लफ्ज़ वापस ले। जुबी, सादिया ठीक कह रही है, मर्द और औरत के इरादे और कोशिश में कोई फर्क नहीं। अल्लाह ताला ने एक जितनी सोच बूझ और समझ दी है। वापिस लो अपने लिफाफ। ठीक है अब्बू, आप कहते हैं तो अपने अल्फाज वापस ले लेती, लेकिन फिर भी आप बुलवा कर ले आएं, ये इनके बस की बात नहीं है। इसकी बच्ची, अरे ला, देखिए ना क्या करती रहती है। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं, मैं खुद करूंगी, मैं मुझे पता है ना किस तरह करना है। तंग आ गई मैं तुम्हारे आए दिन के प्रोग्रामों से, क्यों बना लेती हूँ प्रोग्राम जब अब्बू का पता है? तो अब्बू मुझे जाने से रोकेंगे? रोकेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी उनसे पूछना तो पड़ेगा ना, इजाजत तो लेनी होगी कि नहीं? तो ठीक है ना, आप पूछ लें, आप इजाजत ले लें, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। कहाँ जा रही हो? वो अब्बू मेरी दोस्त है ना फायजा, उसकी सालगिरह है, सारी लड़कियां जा रही है, पर अम्मी कह रही है कि वहां जाने के लिए भी आपसे इजाजत लूं। अब आप सालगिरह में भी जाने नहीं देंगे? नहीं नहीं, जाना चाहिए तुम्हें, कब जाना मुझे बताओ, मैं छोड़ गया था। नहीं नहीं अब्बू, वो आयशा है ना, उसकी अम्मी कह रही थी सारी लड़कियों को वही ड्रॉप करेंगी और वही पिक करेंगी। नहीं नहीं बेटा, किसी और के साथ अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद छोड़ कर आऊंगा तुम। अभी आपने कितनी अच्छी बात की थी कि मर्द और औरत बराबर होते हैं, और अब आप मना कर रहे हैं मुझे अकेले जाने से। ठीक है, मैं देख रही हूँ आप बच्चों की ज्यादा हिमायत करते हैं, और जहाँ मेरी बात आती है। अच्छा अच्छा, बस तुम्हारी बात हुई है आयशा की वालदा से? जी नहीं, आपने कहा ही नहीं था। ठीक है, पूछ लो उनसे, और वापसी पे घर छोड़ देंगी ना, ये भी पूछ लेना।
ज़ूबी नंबर। हाँ मैं बात करवाती हूँ ना अभी। हाँ ज़ूबी, आयशा अपनी अम्मी से बात करवाना, मेरी अम्मी बात करेंगी। अम्मी से बात क्यों? हाँ वो इजाजत लेनी थी ना इसलिए। पर अम्मी तो घर पे नहीं है। ठीक है मैं वेट कर। क्या करें, ज़ूबी कहाँ फंसवा रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वो आंटी मेरी अम्मी बात करेंगी आपसे, आप प्लीज उन्हें बता दीजिए कि आप ड्रॉप कर देंगी हमें। ओके ये मुझे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ मिल गई इजाजत। हाँ निकल रही हूँ, तैयार तो होने दो, बाय। क्या डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन आपा नहीं मान रही। तो आपा को समझाए ना कि जो डॉक्टर कह रहे हैं वो मान ले। मेरा ख्याल है मुझे जाना पड़ेगा। जरूर जाए, जाना भी चाहिए आपको। जाके उनके सामने बात करें कि अगर डॉक्टर सर्जरी का मशवरा दे रहे हैं तो करा लें। आप बात करेंगे तो आपकी बात नहीं टालेंगे। अल्लाह ने सेहत दे। आमीन। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। सालगिरह पे जा रही हो ना, तो वहां जाके तुमने क्या इतना सारा मेकअप करना है? उफ़ो बच्चों, तुम्हारे इतने फजूल के सवालात होते हैं कि तंग हो जाती हूँ मैं। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। अब्बा को पता चल गया ना कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा मेकअप है, शामत आ जाएगी तुम्हारी। अरे क्या फैला के रखा हुआ है तुमने? मैं बाहर आ ही रहता ना। कोई बात नहीं, एक दिन कमरे में बैठकर भी चाय पी जा सकती है। अम्मी आप तो जानती हैं कि मैं बहुत असूल पसंद आदमी हूँ, और मैं जानता हूँ कि आपको शाम की चाय लॉन में ही पीना पसंद है। लाइक मुझे ध्यान। अरे इतना काम करती इतनी भारी चाय। तो कौन करेगा, कौन है करने वाला? हामिद अंकल से रुखसती की तारीख तो मांगी। अरे रुखसती की तारीख काम से भला क्या ताल्लुक? शादी आएगी तो घर संभालेगी ना, घर के कामों में आपकी मदद हो जाए करेगी। मेरी बहू मुलाजमा है क्या जो काम संभालेगी? जब वो आएगी ना तो 24 घंटे के लिए मुलाजमा रखूंगी, देखना। तानी वो दिन कब आएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। पता है तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रही थी कि बस अब वो दिन जल्दी से आ जाना चाहिए। मैं कल ही ना हामिद भाई और भाभी के पास जाऊंगी, और देखना तारीख लेके ही उठूंगी मैं। अलैकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। सारा दिन तुम कमरा बंद करके बैठी रहती हो, कुछ पता नहीं होता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ केयरलेसनेस फ्रॉम यू। पता है उमेर कहाँ है? उमेर कहकर गया था कि 2-2.5 घंटे में आ जाएगा, बस आने ही वाला होगा।
Anyway, मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि कल मैंने कुछ लोगों को बुलाया है ऑफिस इंटरव्यूज के लिए, कुछ नई हायरिंग करनी है, तुमने मेरे साथ ऑफिस जाना होगा। लेकिन मुझे तो यूनिवर्सिटी जाना है। मेरी क्लासेस तो आजकल नहीं हो रही। वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तुम थोड़ा काम करके 12 बजे तक ऑफिस आ जाना, आई विल वेट फॉर यू। ठीक है। उमेर आपके साथ नहीं जा रहा? फिलहाल तो नहीं। आपको नहीं लगता कि आपको उस पर थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए? जब तुम प्लान फाइनल करोगी तो मैं टिकट्स बुक करूंगा। नहीं भाई, मेरे लिए इतनी जल्दी फिर से निकलना पॉसिबल नहीं होगा। कम ऑन यार, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती। बस तो फिर डन है, ट्यूसडे का प्लान लॉक है और अभी मैं टिकट्स बुक कर रहा हूं। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। कम ऑन यार, हर कोई फारिग नहीं है तो तुम्हारे लिए बेटर है कि बस तुम गुजरो और तुम्हें देखे, किसी के पास टाइम नहीं। अभी कंफर्म तो नहीं करो, मैं बताती हूं ना तुम्हें। अरे हां, क्यों आ रही? जी मैम। उमेर, तुमने तो आज ऑफिस आना था, तुम आए क्यों नहीं? मॉम, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैं लेट हो गया, बट मैंने सुंदर को बताया था मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, फौरन पहुंचो, मैं इंतजार कर रही हूं। ओके ओके मॉम। क्या तुम्हें क्या हुआ? एक तो कॉल तुम्हारी मॉम की आती है और सांस मेरी अटक जाती है। क्यों? उनका ना मेरे दिमाग में एक इमेज बन चुका है, रोबदार पर्सनालिटी, गरजदार आवाज, और कोई उनके सामने आ जाए ना तो अपनी सही बात भी भूल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मॉम बहुत स्वीट है। तुम्हारे लिए आऊंगी, मुझे तो बहुत डर लगता है। बहुत रॉन्ग परसेप्शन बनाया तुमने अपने माइंड में। अच्छा मुझे बता दो, ट्यूसडे का प्लान लॉक है, आगे मैं टिकट बुक करूं? अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, कुछ भी कंफर्म नहीं है। तू भी बहुत डिले करती है। अच्छा ना पागल, तुम्हें पता है मैं हमेशा मान जाती हूँ। जी भाईजान, आप बेफिक्र रहे, मैं खुद डॉक्टर से बात करके आपको सारी सिचुएशन बताता हूँ। जी जी भाईजान, रिपोर्ट्स भिजवा दूंगा आपको, फिर आप जो भी डिसाइड करेंगे वैसा ही होगा। जी बेहतर, खुदा हाफिज भाईजान। भाईजान कह रहे हैं कि फौरन लाहौर चले जाओ और आपा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। हाँ तो मेरा भी यही ख्याल है कि आपको जाना चाहिए जरूर। अच्छा फिर ऐसा करो, 3-4 जोड़े मेरे बैग में पैक कर दो, मैं पहली फ्लाइट से निकल जाता हूँ। ठीक है, मैं कर देती हूँ आपकी पैकिंग। उमेर, तुमने आज मंजूर साहब के साथ फैक्ट्री विजिट पर नहीं जाना था? जी मॉम, जाना तो था बट मैं सो के देर से उठा इसलिए। उमेर, जिंदगी सोकर नहीं गुजारी जाती, बड़े हो गए हो, एहसास होना चाहिए तुम्हें। जी मॉम, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। शट अप उमेर। सॉरी, मैं कल ही मंजूर साहब के साथ फैक्ट्री विजिट कर लूंगा, और आप परेशान मत हो, आप देखिएगा एक दिन कुछ करके दिखाऊंगा आपको। Really? तुम्हें क्या लगता है कि तुम रात को सोगे सुबह उठोगे सब कुछ हासिल कर लोगे? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, फिर कुछ हासिल होता है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में। थोड़ी सी तो लाइफ एंजॉय करने दें, उसके बाद जिंदगी भर मैंने काम ही तो करना है। प्लीज, यू जस्ट इम्पॉसिबल।
फॉर्म प्लीज। अम्मी आ रही कल तुम्हारी तरफ रुखसती की तारीफ लेने। अब्बू कल 4 बजे की फ्लाइट से लाहौर जा रहे हैं। जाना तो वैसे उनको आज रात ही था पर उनको सीट नहीं मिली। और तुम्हें पता है ना कि अम्मी कोई फैसले नहीं करती है उनके बगैर, सारे फैसले तो वो ही करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को कहता हूँ कल सुबह आ जाए तुम्हारी तरफ। जी सुनो, मैं तुम्हें सुबह 11 बजे पिक कर लूंगा यूनिवर्सिटी से, हम मिल रहे हैं। डेढ़ साल हो गया निकाह को भाई साहब, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। अरे भाभी आपकी अमानत है, अल्लाह खैर से वो वक्त भी लाएगा इंशाल्लाह, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी जल्द। बस तो फिर ठीक है, अब जल्दी से डेट दे दीजिए मुझे। एमरजेंसी में लाहौर जाना पड़ रहा है, आपा की वजह से बहुत परेशान हूँ, वापस आता हूँ तो जहमत देते हैं आपको। अहमर आंटी आ जाएंगी तो क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी, तो खुश होंगी, वो तो वैसे भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। पता है मैं क्या सोचता हूं? मैं ये सोचता हूं कि जब तुम मेरे घर आओगी तो मेरे सारे काम तुम किया करोगी, शाम को जब मैं घर आया करूंगा तो तैयार होकर मेरा इंतजार किया करोगी, मैं प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए चाय बनाओगी। तो इसमें ऐसे क्या बात है, मैं अभी चाय बना के लाती। आज नहीं, ऐसे क्या देख रहे हो, अच्छी लग रही हो? क्यों, पहले क्या मैं बुरी लगती थी? अम्मी रुखसती तारीख लेके आ रही हैं, तब तक हम अपना प्लान करते हैं। किस चीज का प्लान? हनीमून। सारे प्लान शादी के बाद करेंगे, ठीक है ना? देर हो रही है, चले। जीनत भाभी ये किन तकल्लुफात में पड़ गई आप, मेरा अपना घर है, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। मैंने कौन सा कोई ज्यादा एहतमाम किया, बस बेसिक सी चीजें लीजिए। मैं तो शर्मिंदा हो रही हूँ कि आप लोग परेशान हैं और मैं बिलावजह आकर बैठ गई। कैसी बातें कर रही हैं आप, हम परेशान है तो क्या मुंह बना के बैठ जाए, कुछ खाएं पिएंगे नहीं? खाना पीना तो चलता ही है। आपके आने से कम ये हुआ है कि ये भी थोड़े रिलैक्स हो गए हैं। अहमर अब हमें चलना चाहिए। चलो सादिया, मुझे लगता है कि अभी हमें, अहमर प्लीज हमें बहुत देर हो गई है, चले। देखो हम एक बहुत मजबूत रिश्ते में बंधे हुए हैं, हमारा निकाह हो चुका है और रुखसती नहीं हुई है हमारी, वो भी हो जाएगी। नहीं हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने माँ बाप से नजरें ना मिला पाए। आपा को सलाम कहिएगा, अगर हो सके तो बात भी करा दीजिएगा मेरी। हाँ हाँ जरूर करा दूंगा। जीनत दुआ करना, मैं बहुत परेशान हूँ। अबू लाहौर से खुद से बहुत अच्छे मिलते हैं, जरूर लाइएगा और बादामों वाला हलवा मत भूलिएगा। ज़ूबी तुम्हें पता है ना मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारी फरमाइशें ही नहीं खत्म होती। सादिया का, सादिया सादिया बेटा अबू जा रहे हैं। वो एटीएम कार्ड मैंने दराज में रख दी, पैसों की जरूरत पड़ी तो निकलवा लेना। अपना भी ख्याल रखिएगा। तुम सब भी एक दूसरे का ख्याल रखना, और बेटा शाम होते ही दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर लेना जी। ये तुम्हारी ड्यूटी है।
ठीक है? ओके जुबी, खुदा हाफिज। छोटी सी फरमाइश कर दी, इतनी बुरी तरह डांट दिया उन्होंने। आने दो उनको, बात भी नहीं करूंगी मैं इनसे। ये वक्त था फरमाइश करने का? खुद बंदा सोच लेता है कि अब्बू कितने परेशान है पहले से। अब्बू हमेशा ताया और पुप्पू की वजह से परेशान ही रहते हैं। कौन सी नई बात है इसमें? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तबीयत ठीक है? जी अम्मी, मैं तो ठीक हूँ। अहमर से कोई बात हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं। इस दफा तुम्हारे अब्बू आ जाए ना, तो मैं उनसे मशवरा करके कुछ शादी की डेट फिक्स करते हैं। बहुत टाइम हो गया है। नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी वक्त ही कितना हुआ है, और ताया को आने में कितना वक्त है? 2 साल तो होंगे। उनकी गैर मौजूदगी में तो अब्बू कभी कोई फैसला नहीं करेंगे। और इनके निकाह को 1.5 साल ही हुआ है। अहमर भाई को बोले अभी आप आराम से इंतजार करें, शादी का कोई इरादा ना करें। मुझे क्या सुना रही? मैं तो पहले ही परेशान हूं। सच पूछो तो मेरा दिल डूबा जा रहा है। लड़के वाले हैं, हमारी कोई बात बुरी लग गई तो पता नहीं क्या करेंगे। ये सब आपकी ढील का नतीजा है। जब से हम बड़े हुए ना, हमने आपको अब्बू के सामने सर झुका ही देखा है। कह रही हूँ ना, इस बार मैं खुद बात करूंगी तुम्हारे अब्बू से। ठीक है, निकाह में शामिल हो गए थे भाई साहब, अब रुखसती उनके बगैर हो जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। आपने बात की और मैंने देखा। सॉरी अमर, आपको समझना चाहिए। हेलो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अब्बू चले गए तुम्हारे? यस। चलो दैट्स गुड, फिर ले लो मूवी की टिकट्स। ले लो, तुम भी क्या याद करोगे। हेलो, कॉल पे कॉल किए जा रही, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? मैं ऑफिस में बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ।
सादिया बेटा वो अहमर आया नीचे, तुम जल्दी से आ जाओ उसके साथ बैठो, मैं चाय बना देती हूँ, आ जाओ जल्दी। सादिया तुम रो क्यों रही हो? नाराज होना कभी सीख। ये मैंने तुमसे कब कहा? कहानी लेकिन लेकिन बात भी तो नहीं की ठीक तरह से, कॉल रिसीव की और इतनी जल्दी फोन रख लिया। सॉरी वो तुम्हें काम में मसरूफ था इसलिए तुम्हें बता नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे नाराज होऊंगा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं पाई। कुछ गलत तो नहीं किया था तुमने? अच्छी लगी थी, दिल में उतरी थी तुम्हारी वो बात। देखो हमने एक दूसरे को प्यार से मोहब्बत से दिल की गहराइयों से अपनाया, इस रिश्ते का मान हमें हमेशा रखना है और अपने माँ बाप के भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ना। तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि मुझे फख्र है कि तुम जैसी लड़की मेरी जीवन साथी है। मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी वफाएं, मांगती है ये तुझसे, तू भी सुन ले सदाएं तेरी सारी वो दिलदारियां। हाँ कैसी हो जीनत? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपा की तबीयत कैसी है बताइए। हाँ अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब हो गया उनका, सारे काम बहुत अच्छे हो गए। अच्छा तुम सुनाओ ना, सब ठीक ठाक है? जी जी सब ठीक है अल्लाह का शुक्र है। बच्चियां क्या कर रही हैं? सादिया तो आज गई नहीं थी, जूबी यूनिवर्सिटी से आके खाना खा के सो गई है। आपको बहुत मिस कर रही हैं दोनों। हाँ बस इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। हाँ जूबी से कह देना कि मैं गुस्सा तो शायद उसका ना ला सकूं लेकिन उसके लिए बादामों वाला हलवा जरूर लेकर आऊंगा। जी जी बता दूंगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज, आप अपना ख्याल रखिएगा और आपा को सलाम कीजिएगा बहुत। तंग आ गई मैं तुम्हारी रोज रोज की ये ग्रुप स्टडीज। अब सुन लो एक बात, कान खोल, फेल होना है फेल हो जाओ लेकिन किसी सहेली के घर नहीं जाने दूंगी मैं। अच्छा ना, आई एम सॉरी। क्या हो गया अम्मी आपको? हैं? क्या हो गया? अब्बू का फोन आया था अभी अभी, पूछ रहे थे तुम्हारा। शुक्र करो उन्होंने बात करने का नहीं कह दिया। क्या जवाब देती उन्होंने? चले ना बात टल गई ना, बोला तो नहीं। नाराज नहीं हुआ करे ना मुझसे, चले ना खाना बना दे जल्दी से, इतनी परेशान हो जाती है। आई एम सॉरी, अब नहीं होगा ऐसा। खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लग रही है, आज मैंने बहुत पढ़ाई की है। लगाती हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारे इंतजार में मैंने भी नहीं खाया कुछ। हेलो यार, मैंने तुमसे कहा भी था कि घर पहुंचते ही मुझे कॉल करना, क्यों नहीं की? कौन? मैं उमेर बात कर रहा हूं। क्या हुआ? कौन है लड़का? कौन लड़का?
जिसका नंबर तुमने उमेरा के नाम से सेव किया है। अरे उमेरा तो दोस्त है मेरी, मैंने अभी कॉल रिसीव की थी। ये तुम्हारी कोई दोस्त नहीं, लड़का था जिसके साथ तुम अम्मी को झूठ बोलकर कंबाइन स्टडीज का कह के गई थी। चलो अब तुम्हें पता चल गया तो सुन लो, उमेर दोस्त है मेरा। क्या मतलब है दोस्त है तुम्हारा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तो मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, लेकिन तुमने इसी तरह सवाल जवाब किए तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, बल्कि घूम जाएगा। और मुझे ये भी होश नहीं रहेगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन। तुम्हें डर नहीं लगता? अम्मी अबू को पता चल जाएगा तो इस घर में कयामत आ जाएगी। कयामत? तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता नहीं लगता कि तुम और अहमर भाई छुप छुप के मिलते हो। अगर ये बात अम्मी और अबू को पता चल गई तब सोचो क्या होगा। बस बच्चों की रुखसती हो जाए तो अपने घर वालों को भेज देना। लाइफ तो तुम शादी के बाद भी एंजॉय कर सकते हो ना। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं फिर बात करते हैं। बाय। बाज नहीं आओगी तुम? तुम्हारे साथ मसला क्या है? मसला मेरा नहीं तुम्हारा है जूबी। देखो जूबी, इस तरह से लड़के से बात करना, उससे मिलना अच्छी बात नहीं होती है। मैं तुम्हारे मामलों में टांग अड़ाती हूँ? नहीं ना, तो प्लीज मेरे मामलों से दूर रहो। किसी तरह भी मुझे अम्मी के काम में डालना होगा ये चक्कर, वही संभालेंगी इसे। पीछे ही पड़ गई है मेरे। क्यों, क्या हुआ? अब क्या कह रही है वो? गुस्सा कर रही है, नाराज हो रही है। पता नहीं तुम्हें क्या समझती, तुम कोई गुंडे हो, बदमाश हो। तुम उनसे मेरी बात करवाओ ना। तुमसे क्या बात करवाऊं? मैं तो खुद बात नहीं कर रही हूं उनसे। अच्छा चलो ठीक है, तुम उनके नंबर मुझे सेंड करो, मैं उन्हें खुद कॉल करती हूं। अच्छा लिखो, बल्कि मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ, अभी कर रही हूँ। हेलो। हेलो, मैं उमैर बात कर रहा हूँ, सुबी का दोस्त। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था। अच्छा अच्छा, ये बताओ गाना कैसा ही है? ठीक है। बस ठीक है? नहीं अच्छा है। नहीं अच्छा है तो चेंज कर लेते। तुमने मैसेज करना था? मैंने मैसेज किया था जोबी, लेकिन तुम्हारी बहन ने रिप्लाई तक नहीं दिया मुझे। पता नहीं एक तो बच्चों अपने आप को क्या समझता। मैं तुमसे बाद में बात करूं। मेरा नंबर क्यों दिया तुमने उसे? मांग रहा था दे दिया। तुम्हारे जो तौर तरीके हैं, इससे पहले कोई और हंगामा खड़ा, मैं अम्मी को जाके सब कुछ बता दूं। बच्चों रुक जाओ, अबू को आने दो, दोनों को साथ मिलकर बता दो। मैं डरती नहीं किसी से, ना ही उमेर। हम दोनों डर के खड़े हो सकते हैं सबके सामने। तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा।
काफी बेहतर तबीयत थी बाबा की, बहुत ही दुआएं दी हैं उन्होंने तुम्हारे और बच्चियों के लिए, उन्होंने कुछ जोड़े भेजे। क्या हो गया आपको, क्यों लिए आपने ऐसे वक्त में, उनकी दुआएं बहुत है हमारे लिए। इतने प्यार से दी उन्होंने, मैं कैसे इनकार करता। हेलो सदीकी साहब। जी जी। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तदफीन कब है? जी बेहतर जी, खुदा हाफिज़ सदीकी साहब। क्या हुआ, खैरियत? सदीकी साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें क्या हुआ था, अभी परसों तो मुझे मिली है बिल्कुल ठीक ठाक। ये तो मैंने नहीं पूछा उनसे, बहरहाल सबका वक्त मुकर्रर है, अपने अपने वक्त पे सबने जाना है अल्लाह के पास। मगरिब के बाद है जनाजा, तुम मेरे साथ चलना। जी अच्छा। अहमर बेटा बस भी करो, तुम्हारी तो तैयारियां नहीं खत्म हो रही। हाँ जल्दी करो ना बेटा, देर हो रही है। अम्मी बस दो मिनट दें, मैं ये बस गिफ्ट रैप कर लूँ। आप बैठे ना, बैठे। अच्छा जल्दी करो, ये आप ही की तरफ से हमें। मस हो गया। और कितना सजाओगे इसे? अहमर मेरा बर्थडे कैसे भूल सकता है? रात 12 बजे से मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं तो कल सुबह से रात 12 बजे का वेट कर रहा था, बहुत बेचैन था मैं। अच्छा ऐसे मुझे गिफ्ट लेने का खास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन अब शायद आदत हो जाएगी मुझे। थैंक यू। देख लो सूफी, अंकल आंटी आ तो नहीं जाएंगे ना? नहीं आते भाई। हर मरवा मत देना, मैं हूँ ना। हाँ चलो साजो आराम से। आओ आ जाओ। हाय। अब ये उमेर है, तुमसे बात करने आया है। अंदर कैसे आया ये? इसे मैंने यहाँ बुलाया है, बहुत रोब दे रही थी ना कि अम्मी और अब्बू को बता दूंगी। तो करो ना, जो बात करनी है इसके सामने करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यूं अचानक? बस वो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करिए वो सादिया की बर्थडे थी ना, तो सोचा सरप्राइज दे दें। अस्सलामुअलैकुम। ओह वालेकुम अस्सलाम। लाउंज आइए, अंदर आइए। आइए देखिए, मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया हूँ, और आपसे बात के बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। लिसन, आपको मुझ पर शक था ना कि मैं एक उलझा हुआ एक बदतमीज सा लड़का? चाबियां दीजिएगा। आए भाभी चलो। अरे बच्चो निकलो यहाँ। अरे आप निकलो, बच्चो आप मेरी बात तो सुने। मैंने कहा ना जाओ, बच्चो सुनो, बच्चो इसको तुम्हें बोला है ना, निकलो निकलो।